खिलाइए उसे, निन्नी करवा दे, निन्नी कराइए, निन्नी निन्नी करा दो, खाना खिला दो, खाना खिला दो, शेरू को खाना खिला दो, खाना खिला दो, खाना खाना खिला दो। निन्नी कैसे करते हैं, निन्नी कैसे करते हैं? गिरेगी? नहीं गिरेगी। तो गाइस अभी मैं घर पे आया हूँ, पूरे दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। मैं गेट बंद इसलिए कर देता हूँ क्योंकि शोर होता है बार बार बाहर से, और घर पे आके मेरे को थोड़ी सी शर्म आती है घर में व्लॉग बनाने में, ख़ास तौर से पापा लोगों के आगे, उनके आगे बिल्कुल व्लॉग नहीं बन पाता। फिलहाल चावल बने हुए हैं एंड कड़ी है, तो अभी पेट पूजा हुई नहीं, अभी हुईगी पेट पूजा मजेदार वाली। आओ आओ इधर आओ, सुबह रील डालिए जो न्यू ट्रेंड चला है अभी। कैसे लग रहे जी कड़ी चावल, मजेदार बढ़िया? भटूरे कैसे लगे? तो अभी हम छोले भटूरे खा चुके थे, मतलब ज्यादा नहीं खाया, सिर्फ दो बाइट या तीन बाइट खाई है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं खाया। मैं ना कड़ी चावल खाने थे तो उसके लिए पेट में जगह बचा रखी थी हमने। सही है, ये चावल ऐसे थे जैसे कहते हैं ना जिनको उबाल दिया जाता है उनका थोड़ा फैट खत्म हो जाता है, चावलों के अंदर जो फैट होता है वो खत्म हो जाता है, ये ऐसे चावल थे। अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया। देखो सबसे बड़ी गलती क्या हुई अभी मेरे से, इस स्कूटी की मेरे को लग रहा है कि बैटरी में पंगा नहीं है, मतलब जो फ्यूज़ होता है इसके अंदर बैटरी के पास, वो फ्यूज़ में दिक्कत है। इसका हॉर्न भी सही से नहीं बज रहा, काम प्यारी को बहुत सही कराना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे इसको सही कराने में, क्योंकि ये दो हफ्ते से एक डेढ़ हफ्ते से तो ऐसी खड़ी थी ये, और फिर बीच में दिक्कत इसकी ये आ गई थी कि पेट्रोल लीक कर रहा था। अभी मेरी ऐसी की तैसी हो चुकी है, अभी कुछ सामान लेकर आ रहा था मैं तो बीच बीच में बार बार बंद हो रही थी, तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले सामान था ऊपर से, फिर मेरे को उतरना था डबल स्टैंड पे लगा के किक मारनी थी, और ऊपर से किक मारने के बाद भी जैसे स्टैंड से उतारी उसी वक्त बंद। भाई साहब ये इतने गंदे पंगे इसके अंदर हैं, अभी एक तो बाइक ऊपर से ये, इन दोनों के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा सही कराने के लिए। पापा को कितनी बार बोल चुका था कि भैया सही करा लो सही करा लो, लेकिन जब तक चीज़ पूरी ख़राब नहीं हो जाएगी तब तक चीज़ का इस्तेमाल भरपूर करते रहो। कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जब तक उसकी जान पूरी नहीं निकल जाएगी, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेगी भैया मैं नहीं चल सकती, और उसके बावजूद भी भाई साहब चल रही है, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत देखो कि चल रही है। लेकिन एक चीज़ है, दोनों बाइक और इसमें और बाइक ने कभी भी मेरे को ऑन रोड धोखा नहीं दिया, इसने एक बार दिया था वो भी मेरी गलती थी क्योंकि पेट्रोल नहीं डाला था इसके अंदर टाइम पे। तो यार अगर आप सही टाइम पे पैसे खर्च करोगे तो चीज़ आपका साथ देगी। हर चीज़ एक ही फैक्ट पे लागू होती है कि भैया किसी चीज़ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको रिटर्न देगी, तो ऐसे ही है इंसान ऐसी चीज़ है भाई साहब, इंसान तो फिर भी साथ नहीं देता, मशीनरी ऐसी है पैसे खर्च करो साथ देगी पूरा पूरा। अब फिलहाल इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी मेरे को ऑस्मो की, क्योंकि बैटरी बहुत
लो थी मतलब 20% है और अब पता नहीं कितने परसेंट हो गई होगी। तो सबसे बड़ी गंदी प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन मैं कैमरा नहीं लगाता ना उस दिन भाई साहब एक से एक गाड़ियाँ एक से एक बाइक ऐसे दिखेंगी बस पूछो मत। अभी रास्ते में ही मेरे को मिली थी एक निंजा, अब वो निंजा कौन सी मॉडल थी वो नहीं पता, लेकिन एक सरदार जी चला रहे थे, उनसे भैया से पाजी से मैंने पूछा कि पाजी कितने की है, पाजी ने बोला 12 लाख रुपए की है। तो भाई साहब 12 लाख की और दिखने में इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड, जो उसकी साउंड थी इतनी सॉफ्ट थी यार, बहुत दिल को छू जाने वाली बाइक। भाई यूट्यूब चैनल चल जाए यार मेरा, कसम से कह रहा हूँ। सबसे पहली जो मेरी ड्रीम बाइक है वो है बजाज की पल्सर आरएस या फिर डोमिनार, ये ड्रीम बाइक है सबसे पहली। और अच्छा ज़्यादा चल जाएगा यूट्यूब चैनल, आप और सपोर्ट दिखाओगे तो निंजा भी लेंगे फिर तो कावासाकी। अरे यार मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, जाना पीछे था मैं यहाँ जा रहा हूँ, शिट मैन। ओ फिर से बंद हो गई यार, फिर से बंद हो गई यार, फिर से बंद हो गई। अब देखो इसके मीटर, मीटर भी नहीं चल रहा इसका, मीटर भी नहीं चल रहा। तो देखो स्टार्ट हो गई थी लेकिन फिर बंद हो गई एकदम ही। तो ऐसे ही मेरे को करना पड़ रहा था बार बार, जैसी स्टैंड से उतारी उसी टाइम भाई साहब उसी टाइम बंद हो जाती थी। अभी फिलहाल मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इस गाय को ज़रा रोटी खिला दी जाए। अरे भैया रुक जाओ, अबे सॉरी यार डर लगता है थोड़ा सा मेरे को, बाकी ठीक है, गाय ने रोटी खा ली है। अब ये स्कूटी फिर से बंद हो गई है, फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन फिलहाल मैं बैग में रख लेता हूँ कैमरा। बैटरी बची है इस वक्त 12% और इसको बैटरी चेंज भी करनी पड़ेगी। मैं चेंज करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा काम है, फ्री होने के बाद दोबारा ब्लॉग बनाऊंगा। ये ब्लिंक कर रही है बहुत देर से, मेरे को टेंशन हो रही है कि पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, तो यहीं आसपास जल्दी से पेट्रोल पंप पे जाना है और जल्दी से पेट्रोल डलवाना है इसके अंदर। तो फ्री हो चुका हूँ मैं, इस वक्त घर जा रहा हूँ। स्कूटी पे सामान भी बहुत सारा लोड है जो कि मैं दिखा नहीं सकता, ना दिखा पाऊँगा क्योंकि कैमरा एंगल वहाँ जा ही नहीं पाएगा कैमरा। तो दिन भर में बाइक की भी हालत मैंने बताई थी ख़राब थी, और स्कूटी की भी ये जो दिक्कत थी ये पापा ने सही करा दी है, क्योंकि जहाँ बाइक सही हो रही थी वहीं स्कूटी भी सही करा दी। तो अब अपनी डिस्कवर बढ़िया हो जाएगी। मडगार्ड वगैरह टूट गया था, हेडलाइट वगैरह ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, तो वाइज़र वगैरह सब चेंज करा दिया है उसका। पहले ही पैसे निकाल के रख लेता हूँ। भैया बड़े सही हैं, उन्होंने बोला आगे खाली है तो हम आगे ले जा रहे हैं। भैया 150 का डाल दो, ये क्या काम करेगा? ये माइलेज के लिए होता है। कितने का है? 10 रुपये का। तो 140 का डाल दो फिर, 10 रुपये 150 पूरे हो जाएंगे। फर्स्ट डेट तो ही करूँगा वीडियो में। चलो भैया तो
यार मेरे को कोई अगर इस बारे में जानता है तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये जो पाउच होते हैं पेट्रोल पंप के अंदर, ये माइलेज करके बेचते हैं कि माइलेज सही करेगी, तो ऐसा होता है या नहीं होता? और अगर यार ये बस वाले, एक मिनट, शुगर है बस वाले ने टाइम पर रोक ली, तो अगर ये मेरे को बताओ कि ये पाउच माइलेज वगैरह के लिए काम करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो इनको डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, माइलेज का कुछ फ़र्क पड़ता है इन इस चीज़ से, तो वर्थ है डलवाने 10 रुपये का, लेकिन फ़ायदा अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं डलवाऊंगा। कोई कमेंट सेक्शन पे बता देना मेरे को कि अगर फ़ायदा मिलता है तो ठीक है भाई, 10 रुपये खर्च करके फ़ायदा मिल ही जाएगा, मतलब जो भी फ़ायदा होना होगा हो जाएगा। मेरे साथ ही क्यों होते हैं उल्टे सीधे काम, मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आती। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, एडिटिंग भी करनी है, अभी बच रहे हैं, घड़ी तो ख़राब हो चुकी है, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:10, तो 9:10 हो रहे हैं अभी, तो फिलहाल जल्दी से मैं एडिटिंग करता हूँ और अपलोड करता हूँ, किसी नए ब्लॉग में मिलते हैं। और ये देखो महारानी शोर मचा रही है, हो कुछ 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 हंसी आ रही है, पुच्छी कैसे करते, पुच्छी टैंकिश कर दो, हेलो कैसे करते, हेलो बोल दो, हेलो बोल, हेलो इसमें बोल दो, हेलो नहीं बोलना, अब बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय, अच्छा बाय बाय कर दो ऐसे, इसको रखो सबको बाय बाय कर दो, इसमें बाय बाय सुनो, बाय बाय ऐसे कर दो, बाय बाय इसमें बाय बाय कर दो, सुनो इसमें बाय बाय, अरे बाय बाय कर दो, बाय बाय मैं बाय बाय कर रहा हूँ, बाय 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 कर दो, बाय। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर इसी के साथ नए ब्लॉग में मिलते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो मेरे यूट्यूब चैनल को। क्या हो गया, हाँ अभी खेलते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, और यार प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को, और हमेशा की तरह लास्ट में एक ही बात कहूँगा, खुश रहो और खुश रहो बस, खुश रहो बस।